हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं न्यू वीडियो क्लास 6 का चैप्टर 1, चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिली तो फिल करना हम लोग को, नंबर 1 का ए बता रहा हूँ। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 5 का, तो यहाँ 5 हम लोग का यहाँ है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, उसके बाद ये 1000, ये 10,000, तो 5 तो यहाँ है। मैं नंबर लिख देता हूँ 3, 7, 5, 7, 2। तो हम लोग को 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 1, 10, 100, तो 5 और हो जाएगा कितना इंटू 100, तो 5 × 100 इक्वल टू 500 आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, मैं कैसे कैलकुलेशन आ रहा है वो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, बी नंबर का बता रहा हूँ। तो दूसरा है 8 occurs at place इन, तो इसमें देखो इस नंबर में 8 जो है, 1 यहाँ पे 8 है, तो 1s, 10s, 100, तो 100 प्लस में सिर्फ 100 लिखा जाएगा। अगला सी नंबर में द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, जिससे ये नंबर जो दिया हुआ है, तो 1, 10,000, 10,000, उसके बाद यहाँ है 1, 10, 100, 1,000, 10,000, तो 4 × 10,000, तो 4 × 10,000 हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 40,000, तो यहाँ 40,000 भरा जाएगा इसमें। अगला है सी नंबर में जिसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सी नंबर में सी तो बता दिए, डी नंबर 5 occupies द डैश प्लेस इन, जो से 5 जो है दोस्तों यहाँ है, तो 1s, 10s, 5 कौन प्लेस में है, 10 प्लेस में, उसके बाद डी के बाद ई नंबर में द फेस वैल्यू ऑफ 7। दोस्तों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है, फेस वैल्यू जो दिखता है वही है, प्लेस वैल्यू में इसको 1, 10, 100 इसको जो है ना प्लेस से मल्टीप्लाई करके तब प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए इस 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, लेकिन इसका प्लेस कितना है 1, 10, 100, ये प्लेस है ये फेस है, तो प्लेस को फेस को प्लेस से मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू निकालते हैं, है ना। इसका मतलब फेस वैल्यू जो है वही है, 7 का 7 ही होगा, है ना फेस वैल्यू। अगला उसके बाद एफ नंबर में, तो एफ नंबर में जो है 3, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, उसके बाद हो जाएगा लैक, तो 3 लैक है, हम लोग को निकालना है, शॉर्ट निकालना है इसका मतलब, तो 3 लैक हो जाएगा। उसके बाद है 1, 10, 100,000, दोस्तों 5,000 है, इसका मतलब 1,000 के बाद 10,000 है, तो 10,000 इसमें नहीं है, गैप है, तो 10,000 के बदले में 0 और 5,000 का 5। उसके बाद इसमें देखिए डायरेक्ट टेंस वाला है, 100 नहीं है, तो 100 के बदले में 0 और 10s के बदले में 7, और उसके बाद है 8, 8 × 1, तो 8, ये समझ में आया। यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 5 लाख, देखिए 5 लाख है, उसके बाद 1,000 नहीं है, तो 1,000 के बदले में 0, जो वाला टर्म नहीं रहेगा उसके बदले में 0 भरा जाएगा, 5 यहाँ है 1,000, तो 5,000 भर दिए हैं, 7, 10, तो फिर 100 नहीं है, तो 100 के बदले में 0, 7, 10 मतलब 70, और 8, 1 जा 8, तो ये होगा आंसर, समझ में आया। नेक्स्ट है कितना नंबर, जी नंबर, एफ के बाद जी। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसी दूसरे टाइप से लिया है, इसको सिर्फ ऐड करना है, यहाँ भी देख लो वैसे हम बना देते हैं, या ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 6 + 0, 0, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लैक 2 लैक है, उसके बाद देखो उसके बाद 2 लाख के बाद डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000 नहीं दिया, 10,000 के मतलब में 0, 1,000 दिया हुआ है, उसके बाद 100 दिया हुआ है, उसके बाद 10s दिया हुआ नहीं है, तो 10s के बदले में 0। लेकिन अगर इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको ऐसे खले ऐड करना आपको, है ना, ये लिख दिए, उसके बाद है 4,000, उसके बाद है 800, उसके बाद है 6, तो ऐड करेंगे तो 6, 0, 0, 8, 8,
फोर का फोर, फिर यहाँ जीरो का जीरो, टू का टू। देखिए तब भी यही आया, सेम नंबर आया, लेकिन आप दोनों तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। टू नंबर में है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ एंड फेस वैल्यू ऑफ फाइव। दोस्तों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकलना है इस नंबर में, तो पहले यहाँ 76 0 85 4 32, ये नंबर है 2 4 6 8 2 4 6 8, ऐसा ही उतार लिए हैं। अब हम लोग फाइव है कहाँ, तो ये है, तो अभी हम लोग बताए कि प्लेस वैल्यू जो निकालने के लिए, तो 1 10 100 और यहाँ 1000, तो हो जाएगा कितना 5 into, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ये लिख देता हूँ क्या निकालना है, तो प्लेस वैल्यू, तो पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 into क्या हो जाएगा 1 10 100 1000, 1000 इज इक्वल टू 5000। और दोस्तों फेस वैल्यू जो होगा, अभी जस्ट बताया फेस वैल्यू में तो जो दिखता है वही है, तो फेस वैल्यू कितना है 5, और दोनों को क्या करना है हम लोग को, यहाँ लिख देता हूँ 5, और दोनों को क्या करना है प्रोडक्ट निकालना, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 5 0 जा 0 5 0 जा 0, फिर 5 0 जा 0 5 5 जा 25, तो 25000 निकल गया। यहाँ हो जाएगा क्या प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इक्वल टू 25000 है ना। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद है 3 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो यहाँ नहीं बनेगा दोस्तों, फिर मोर लेता हूँ। 3 नंबर में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 4 digit number, तो पहले हम लोग लार्जेस्ट 4 digit number लिख लेते हैं, लार्जेस्ट 4 digit, जितना भी लार्जेस्ट बोलेगा ना उतना उतना 9 दे देंगे, तो 9 9 9 9 हो गया लार्जेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट 4 digit number, SMALESTE स्मॉलेस्ट 4 digit number, स्मॉलेस्ट 4 digit, जब स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 1 उसके बाद 0 0, तो 1 2 3 4 बन गया। अब दोनों का क्या निकालना है, फाइंड प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 1 9 जा 9 1 9 जा 9, सारा तो 9 9 होगा ही, और 3 0 है, तो 3 0 हम लोग बैठा देते हैं, ये 0 वाला से मल्टीप्लाई करना इसी, लेकिन आप सोचिए 0 से करेंगे फिर यहाँ खाली छोड़ेंगे ऐसे बहुत लंबा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये नंबर से करना है और 0 गिन के बैठा देना है, दिक्कत। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ गया 99 लाख 99,000 और 99 लाख और 99,000। कोई भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए ये हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया हुआ है, अब जाके मुझे इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा हूँ 4 नंबर, राइट ऑल द पॉसिबल 3 digit number यूजिंग इससे, तो ये देखिए कैसे बनाएंगे 4 नंबर का। दोस्तों देखिए 7 5 1, इससे बोल रहा है कौन कौन पॉसिबल नंबर है जो आप बना सकते हैं, है ना, कौन कौन पॉसिबल नंबर है जो आप बना सकते हैं, तो ध्यान रखना, हम लोग एक बार पहले इसको रखेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ 751 7 15 बना दिए, एक बार आगे रखे इसके, दूसरा एक बार 5 को आगे रखेंगे 571, उसके बाद 517, एक बार ऐसा बना लिए, एक बार 1 को आगे रखेंगे 157, और एक बार 157, तो 75, देखिए कितना बना, 1 2 बना इसमें 2, तो टोटल 6 बनाए, तो समझ में आया, ध्यान रखना ये इतना बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, तो ये सारा आंसर है इसमें सारा लिखना है। उसके बाद कितना बने 4 5 बता रहा हूँ, राइट ऑल द पॉसिबल 3 digit number यूजिंग, दोस्तों इसमें भी 3 digit बनाना है, तो 0 4 0 6 इससे बनाना है, और जितना भी पॉसिबल है 3 digit का, तो 4 0 6 4 6 0, दो ठो इसका बना दिया 4 को आगे रख के, उसके बाद 6 0 4 6 4 0,
अब बना दिया, अगर जीरो को आगे रखेंगे ना तो ऐसा बन सकता है, और 0 4 6, लेकिन ये 4 डिजिट, 3 डिजिट नहीं, ये 2 डिजिट का बन गया, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, इसलिए इसमें 4 ही बनेगा, ध्यान रखना। इसमें 4 बनेगा, इसमें 6 बना था, इसमें इसलिए नहीं बना था कि यहाँ 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 बोल दिया है 3 डिजिट नंबर, जितना पॉसिबल है 3 डिजिट बनना चाहिए, ऐसे लिखेंगे ना 0 आगे तो 4, ये 2 ही डिजिट बना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, यही बनेगा। अगला उसके बाद है, ये तो बता दिए, ए 6 नंबर। राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर, इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में अंतर ये होता है। इसमें पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लेकिन इंटरनेशनल में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से पढ़ते हैं, ये दोनों में अंतर है। तो मैं लिखता हूँ ए, एक का, ए नंबर का यहाँ दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 87 लाख, 80 SEVEN, 7 लाख, उसका 51, 87 लाख, 51,000, फिफ्टी वन थाउजेंड 400 432 THIRTY और TWO। दोस्तों मैं ये सब का बता देता हूँ क्योंकि लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 60,000, 2 हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 4,91,000, 603, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 63 करोड़, 22 लाख, उसके बाद है 22 लाख, 45,000, 687। अगला 7 नंबर का बता रहा, इंटरनेशनल सिस्टम में लाख, 10 लाख नहीं होता, उसके मतलब में मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन होता है। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख तो होता नहीं, 1, 10, 100, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम बोला है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, तो 5 मिलियन है इसमें, इसमें 100 तक जाता, ध्यान रखना दोस्तों, 5 मिलियन, उसके बाद 737,000, तो 737, THIRTY, 37,000, उसके बाद क्या हो जाएगा, 802, 800 शॉर्ट में लिख दिए हैं दोस्तों, HUNDREED लिख देना आप, 2 है ना। तो ये एक बता दिए, इसका बता देता हूँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000 मिलियन, तो इसका हो जाएगा कितना, 4, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो 411,000 हो गया, और 809, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 33,000,000, 246,951, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, सॉरी लाख तो होगा नहीं, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 898,578,449 ये होगा। अगला ये सारा बता देता हूँ दोस्तों, उसको छोड़े हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग, 8 नंबर में, ए नंबर 32,403,129, तो 32 मिलियन, 32 मिलियन लगा दिए कोमा, कोमा लगाना आना चाहिए आपको, कोमा लगा जाए तो फटाफट बना ले, 32 मिलियन। अब आते हैं 403,129, 400 and 300, दोस्तों यहाँ देखिए डायरेक्ट 400 है यहाँ ना, 2 मिलियन है और डायरेक्ट 400 है, इसका मतलब ये 400, 3 तो 0, 0, 4, उसके बाद यहाँ
डायरेक्ट 329, 329, एक बार देख लीजिए, 32 मिलियन, 32 मिलियन लिख दिए। उसके बाद है 4000, इसका मतलब 1000, 10000, 100000, 100 भी खाली था, 10 भी खाली था, खाली यहाँ 4000 बोल दिया, लेकिन इसमें 329, 320 ये पूरा था। ए बी मैं लिखता हूँ 39 करोड़, तो 39 करोड़, क्योंकि इंडियन वाला है तो इसमें दो ही में कोमा लगेगा। 39 करोड़, 48 लाख, 48 लाख, 9000, तो 9 बोला है तो 09, क्योंकि 10000 नहीं, 10000 बोला खाली है, 9000। उसके बाद है 88, इसका मतलब 100 वाला खाली है, तो 100 का 0, 88, 88 ऐसा होगा। 39, 48, 09 और जितना हो गया इतना ही था। उसके बाद हाउ मेनी लैक मेक 10, 6 मिलियन, 6 मिलियन कितना लैक बनता है वो चेक करना है, तो चलिए ये बता रहा हूँ। तो 6 लैक पहले बना लेते हैं, 6 मिलियन पहले बना लेते हैं। तो मिलियन के लिए 00, फिर 00, फिर सॉरी 00 नहीं, ट्रिपल करके 0 दे देते हैं, है ना, ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1, 10, 1, 10, 100000, 10000, 100000 और मिलियन बन गया। अब हम लोग को मिलियन बना लिए, अब हम लोग को हाउ मेनी लैक, कितने लैक है ये, तो लैक को छांटने के लिए देखिए, अब ये देखिए इसी नंबर को फिर से ऐसा लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 0 कट कर देते हैं, इतना ही है, यही सेम नंबर है यहाँ। इसमें 3 अंक के बाद लगाए हैं तो इंटरनेशनल मिलियन है, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो 1, 10, 100, उसके बाद है 1000, 10000, उसके बाद है यहाँ हो जाएगा लैक। तो यहाँ बोला है ना 6 मिलियन कितने लैक हैं, 6 मिलियन आखिर कितने लैक हैं, तो हम लोग इधर से कट करना, 6 को रख लेते हैं, 1, 1 तो 1 तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10000, उसके बाद आता है लैक, तो यहाँ बच रहा हम लोग का 60 लैक, या एक तरह से और कट करना, इधर से 1, 10, 100, 1000, 10000 लैक, यहाँ पे लैक हो गया, एक 0 बचा क्योंकि 6 का बोला था, इसलिए हो जाएगा इक्वल टू 60 लैक। अगर यहाँ वो 6 नहीं रहता, 7 रहता तो 7 लैक, 70 लैक, है ना, 1 रहता तो 10 लैक होता, क्योंकि 1, 10, 100, 1000 इधर से कट करना ज़्यादा ईजी है, 1, 10, 100, 1000, यहाँ भी देखिए 1, 10, 100, 1000, 10000 लैक, इसका मतलब 0 बच गया ना, और हमको 6 का निकालना था इसलिए 60 निकला। उसके बाद हाउ मेनी मिलियंस मेक 70 करोड़, तो पहले हम हाउ मेनी मिलियन, कितने मिलियन, 70 करोड़, तो पहले 70 करोड़ लिख लेते हैं, तो 70 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़ हो गया। अब हम लोग को कितना छाँटना है, कितना छाँटना है, मिलियन छाँटना है, तो इधर से चेक कर लेते हैं मिलियन में, पहले 1, 10, 100, 1000, 10000, उसके बाद 100000, उसके बाद आता मिलियन, यहाँ तक तो कट हो गया, अब बचा कितना, हम लोग को जाना कितना है, हाउ मेनी मिलियन मेक 17 करोड़, तो 1, 17 करोड़, है ना, 1, 10, 100, 1000, 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 17 करोड़ बना दिया। एक ये पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि दोनों में तरह से आपको बता रहा हूँ, है ना, ऐसा लिख लिए हैं। अब हम लोग को मिलियन में चेंज करना है, तो कोमा लगेगा यहाँ, कोमा लगेगा यहाँ, है ना, तो कितना है ना 6 मिलियन, कितना मिलियन में है, तो 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, उसके बाद होगा मिलियन, यही तो मिलियन है ना, तो कितना मिलियन आ गया, 170 मिलियन आया। इधर से बताइए चेक करने के लिए, फिर इसको इधर से भी चेक कर सकते हैं, तो इधर से भी कट करना पड़ेगा आपको, 1, 10, 100, 1000, 10000, उसके बाद 100000, उसके बाद मिलियन, है ना, तो मिलियन बचा, और मिलियन है कितना, ये देख लीजिए, तो 1, 10, 100, 1000, 10000, 10000, उसके बाद 100000 बच रहा है, कितना 170, तो 170 मिलियन होगा, 170 मिलियन। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।